नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। जैसे कि आप जानते हैं, आज LIC ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का स्टेज 1, जिसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं, उसकी पहली शिफ्ट है, डे 1 है। शिफ्ट 1 ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और उसी के पूछे गए कुछ सवाल आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, सेशंस देखने से पहले, सभी से दरखास्त है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल आज ADO में पूछे गए। अगर आप एग्जाम एनालिसिस, अगर आपको लगे कि एग्जाम एनालिसिस हमें डालना चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। हम एग्जाम एनालिसिस का भी एक सेपरेट वीडियो जरूर डाल देंगे। पेपर का लेवल काफी इजी था, आराम से रीजनिंग क्वांट को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए, क्वांट के कुछ सवाल आज हम देखेंगे जो हमको मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमें मिले हैं। टोटल वैसे 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आपसे पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंस नहीं पता, ये भी नहीं पता। अगला डिफरेंस देखिए, 99 से प्लस 64, ये कितने का है? -25। ये कितने का है? +216। तो प्लस जो 64 है उसको आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब। माइनस का 25 है, उसे क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। और 216 जो प्लस का है उसको क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यूब। तो क्लियर है, यहां पे अगर 4 का क्यूब है, यहां पर 5 का स्क्वायर है और यहां पर 6 का क्यूब है, तो ये जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा? सॉरी, 3 का स्क्वायर। अब ये प्लस हो गया या माइनस? सर ये माइनस हो गया, प्लस माइनस इसी प्रकार चल रहा है। तो इसमें से कितना कर देते हैं? -9 है। इसमें से -9 मतलब उल्टी तरफ से आप जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 कितना होता है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। 9 प्लस 9 होता है आपका 108। अब सर ये -3 का स्क्वायर है, तो यहां पर अगला अंतर क्या आना चाहिए? सर अगला अंतर होना चाहिए +2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 100 में से 8 करें तो हमारे पास क्या आता है? 108 ही तो आता है। तो बिल्कुल सही पैटर्न आपके पकड़ में आया है, आंसर है 108। तो नॉर्मल स्क्वायर क्यूब का पैटर्न था, नॉर्मल डिफरेंस लेना था और डिफरेंस लेते ही आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल देखें क्या है, 10 से 0.01 कितने का अंतर है? 0.01 का। 0.01 से 0.05 कितने का आंसर है? 0.04 का। 0.05 से 1.4 कितने का अर्थ है? 0.09 का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.16। 10.14 में अगर आप 0.16 जोड़ते हैं तो क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए। 10.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा सर 10.30। ठीक है, तो पहले का 108 और तीसरे का, दोनों की दोनों ही आप डिफरेंस लेते ही पैटर्न क्लियर हो जाता है, डिफरेंस लेते ही पैटर्न क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ हमें अरिथमेटिक के भी सवाल मिले हैं। आपका जो आज का एग्जाम्स था उसमें 10 से 11 अरिथमेटिक के सवाल भी पूछे गए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहीं देख लेंगे एक बार। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है। हाँ जी, ये सारी चीजें मैं एक बार के लिए इरेज कर रहा हूं, नीचे की तरफ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मिक्सचर पे पूछा गया था, मिक्सचर पे था जिसमें आपके पास मिल्क दिया गया था, मिल्क की अमाउंट बता रखी थी 150 लीटर और वाटर की अमाउंट आपको निकालनी थी, वाटर की अमाउंट आपको इन लीटर्स निकालनी थी। और इन्फॉर्मेशन ये था कि ये जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें से आधा मिक्सचर, हाफ मिक्सचर अगर विड्रॉ कर लें, हाफ मिक्सचर क्या कर लें? विड्रॉ कर लें। विड्रॉ कर लें तो वाटर की अमाउंट मिल्क की अमाउंट से 60 लीटर कम हो जाती है। मतलब ये इक्वेशन आपकी बनती है कि हाफ मिक्सचर विड्रॉ कर लें तो वाटर की अमाउंट कितनी हो जाती है? मिल्क से 60 लीटर कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर की अमाउंट क्या थी।
तो सर एकदम इजी रहता है, कितना बोला गया है हाफ मिक्सचर आपको विड्रॉ करना है। अगर हाफ मिक्सचर विड्रॉ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल जो आपके इंग्रेडिएंट्स है जैसे मिल्क और वाटर है उसमें से भी कितना कितना विड्रॉ होगा, हाफ हाफ विड्रॉ होगा। तो कुछ नहीं करना है, 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 75 लीटर। ठीक है सर, यहां पर 75 लीटर आ गया। ये मान लेते हैं एक्स एक्स लीटर, तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स बाई 2 लीटर्स। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशन क्या दे रखा है कि विड्रॉ करने के बाद वाटर होगा मिल्क माइनस 60 लीटर्स। तो वाटर को लिख दीजिए कितना है, एक्स बाई 2 निकाला है हमने, जो नया वाटर है वो क्या निकाला है, एक्स बाई 2, और जो नया मिल्क है वो क्या निकाला है, 75 लीटर। तो एक्स बाई 2 बराबर 75 माइनस 60। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है 30 लीटर्स। कितनी आ जाती है, 30 लीटर्स। तो ओरिजिनल अमाउंट पानी की, ओरिजिनल अमाउंट वाटर की कितनी थी, 30 लीटर्स थी। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी आप मिक्सचर से हाफ या मिक्सचर से 1/3 या 1/4 आप विड्रॉ करते हैं तो इंडिविजुअल से भी कितना, 1/3 या 1/4, जितना भी आप टोटल से कर रहे हैं उतना ही इंडिविजुअल से भी विड्रॉ होता है। तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए सीधा सीधा आपका आंसर आता है 30 लीटर्स। बहुत ईजी था। ठीक है, अब इसी प्रकार आपसे पार्टनरशिप का भी एक सवाल पूछा गया, तो देखते हैं पार्टनरशिप का क्या सवाल था। पार्टनरशिप का सवाल था कि दो लोग हैं, दो पर्सन हैं, ए और बी, दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए इन्वेस्ट करता है 8,000 रुपए और बी इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपए। ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं बिजनेस में, एक ने 8,000 किए, एक ने 12,000। अब बोला गया है कि 8 महीने बाद, आफ्टर 8 मंथ्स ए लेफ्ट, ए बिजनेस छोड़ देता है 8 महीने बाद। ठीक है, और ये बताया जाता है कि एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट आपका दे रखा है, एक साल बाद टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया था 6,500, 6,500। ठीक है, तो आपको बताना था कि ए के प्रॉफिट का शेयर कितना है, ए के प्रॉफिट का शेयर कितना है। तो क्या बोला गया था, ए का इन्वेस्टमेंट 8,000 और बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000। 8 महीने बाद ए पार्टनरशिप छोड़ देता है, और आपको एक जानकारी और दी गई है कि एक साल बाद टोटल प्रॉफिट आपका होता है 6,500। तो बताइए ए का प्रॉफिट शेयर कितना रहेगा। तो आप सभी को पता है प्रॉफिट शेयर का रेशियो किसमें रहता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में होता है। तो वही यूज करेंगे सर, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,000, कितने टाइम तक था सर, 8 महीने तक। उसी प्रकार बी का भी देखते हैं सर, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000, और वो कितने समय तक था, वो सर पूरे एक साल तक था, तो 12 महीने। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 4/9, कितना आता है, 4/9 प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। अब आपको टोटल रेशियो सॉरी टोटल प्रॉफिट पता है 6,500, और निकालना किसका है, ए का। तो सर ए का कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो एकदम इजी है। ए का रेशियो निकालने के लिए 4/4 + 9 = 13 गुणा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 6,500 है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2,000। कितना आंसर आता है, 2,000। तो बिल्कुल बेसिक और इजी लेवल का क्वेश्चन था, सभी आराम से टाइम के अंदर कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सवाल एवरेज पे भी आपसे पूछा गया था, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एक एवरेज पे भी आपसे सवाल पूछा गया था, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या दिया गया था कि तीन लोग हैं, उनका एवरेज दिया जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज कितना बताया जा रहा है, इनका एवरेज दिया जा रहा है 42। और फिर बोला जाता है कि इसमें से जब हम सी को हटा के, जो सी है इसको हटा के एक नया बंदा अगर ऐड कर दे डी, तो इन तीनों का एवरेज बन जाता है 44। जब ए बी और सी का एवरेज कितना बता रखा है, 42, और इसमें से सी को हटा के क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं, तो उसका एवरेज बन जाता है 44। अब ये बोला गया है कि डी की जो एग्जैक्ट एज है वो 19 ईयर्स है, तो बताइए सी की क्या एज रहेगी।
डी की एग्जैक्ट 19 इयर्स एज दे दी है, तो अब आपसे पूछा गया है सी की एज क्या रहेगी, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखिए सर क्या करेंगे। ये जो ए बी सी है ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कीजिए। जब आप करते हैं तो क्या होगा, ये इधर लेके गए, ये इधर लेके गए, ए और बी एक दूसरे से कट जाएंगे, डी माइनस सी यहां पर आएगा और इस तरफ आएगा 3 × 44 − 42। 44 − 42 कितना होगा, 2 हो जाएगा, जो कितना है 6। डी माइनस सी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। सर डी कितनी ईयर्स का है, 19। 19 माइनस सी बराबर 6, तो सी कितने का हो जाएगा, 19 − 6। 19 − 6 कितना हो जाएगा, 13। तो सी की एज कितनी आ जाएगी, सर सी की एज आ जाएगी 13 ईयर्स। सी की एज कितनी आ जाएगी, सी की एज आ जाएगी 13 ईयर्स। तो ये कुछ सवाल अर्थमेटिक से, प्लस दो सवाल जो नंबर सीरीज थे वो भी आपके साथ हमने शेयर किया है। ठीक है, अब जैसे ही और क्वेश्चंस हमें मिलते हैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस लाएं, तो शाम को हम कोशिश करेंगे एक पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। चलिए आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।